फ्रेंड्स भाई, क्या हाल है? ठीक है, हम भी आपकी दुआ से ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। आज है संडे और हम लोग उठ गए हैं, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या करना है। आज है बहुत काम करने वाले, रात में काफी काम कर दिए थे हम लोगों ने, तो आज है काफी ज्यादा काम करने वाले, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देखिए जी, हमने जो लाई हुई थी, मैं पर्दे वगैरह ये कर रही हूँ मैं सेटिंग, और जैसे आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए थे मैंने, तो मैंने कहा चलें बच्चे हैं, आज संडे है, हमें छुट्टी है, और हम फटाफट से ज़रा सेटिंग कर लें। और ये मेरे लग रहे हैं पर्दे, और साथ मेरी बच्चियाँ लगी हुई हैं। तो उसके बाद ये है रज़ाइयाँ वगैरह मैंने खोली हैं, सर्दियों की तैयारियाँ भी साथ साथ शुरू। तो कपड़े शपड़े रात में धो लिए थे हमने, तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत तो काम खत्म हो गया, भूल के रख लिए हैं। और हस्बैंड जी इधर कर रहे हैं, क्योंकि पर्दा आपको पता बड़ा हो गया था और ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, और ये इधर ड्रिल के साथ ना सुराख करके तो लगाया जा रहा है। और बच्चे खेल रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं, और ये धोए हुए हैं हमने रात में कपड़े, अब वो शौक हो गए काफ़ी, वैसे धूप निकली हुई थी। एक हमने लगा लिया अपने किचन में, ठीक है ना, किचन के एरिए इधर मैंने लगा लिए एक, ठीक है। और एक है थोड़ा सा बड़ा, इससे बाजी ने आगे भी किया था पर बहुत बड़ा है। और मरियम के पुराने वाले की उतारी है, रिंग रिंग उतारी है मरियम जी। पर्दा बताए, इसको पसंद आया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, फिर किसी टाइम दिल भी छोटा कर लेते हैं कि वीडियो नहीं चढ़ाते, फिर कहते हैं चलो कभी तो होगा ना, हम कामयाब इसमें होंगे, अल्लाह हैर करे। तो दिखाते हैं, आज हम कर रहे हैं अपने घर की सेटिंग वगैरह। तो ये मेरी बच्चियाँ भी खड़ी हैं, कपड़े वगैरह हमने रात में धो लिए हुए थे, ये लग गए हमारे पर्दे। और देखें मेरे पर्दे, बताएं अच्छी हैं कि नहीं, कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा चले ये वाला कलर मैंने देखा था कहीं, तो मैंने कहा चलो मैं भी ला कर लगा लेती हूँ। तो ये देखें आप लोग, पर्दे हम लोग लगा रहे थे, और उसके दौरान ही आ गई थी मुझे सिस्टर की कॉल, कह रही थी हम लोगों ने जाना है तो तुम रेडी हो जो, इधर हम वो आ गई थी मेरी सिस्टर, और हम लोग खड़े हैं, हम जा रहे हैं नुमाइश में। ये सिस्टर का बेटा इधर इंतज़ार किया जा रहा है चीची का, तो ये देखिए ये मौज मस्ती कर रहा है सर के। तो हम लोग बैठ गए हैं फिर चींची पे, और ये भाजी की बेटी मैंने उठाई हुई है, मैंने कहा था ये देखिए जी हम नुमाइश के पास पहुंच गए हैं, और अब हम लोग अंदर एंटर हो गए हैं, टिकट ली है और उसके बाद अंदर एंटर हो गए। इधर ये ज्वेलरी वगैरह लगी हुई है, और बहुत कुछ होता है नुमाइश में, आप लोगों को पता है किस किस ने देखी हुई है नुमाइश, और कौन कौन जाता है। सर्दियों में अक्सर ये स्टार्ट हो जाती है, और गर्मियों में इसका एंड हो जाता है। और आप लोगों को आगे आगे भी दिखाते हैं कि क्या होता है नुमाइश भी। ये मेरी जैनब को आ रही थी इधर ज्वेलरी पसंद, मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं जैनब लेके दे सकती, तो बाद में देखते हैं। तो उसे बोला ठीक है मम्मा। तो हम लोग फिर आगे वाले स्टॉल पे चले गए, इधर हम लोग देख रहे थे, मैंने कहा वो माथा पट्टी वगैरह किसी की शादी हो तो फिर ही ली जाती है, ऐसे तो नहीं। तो ये नेकलेस मैं देख रही थी, पता कितने चले हुए हैं आजकल। तो ये देखिए जी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। क्या करने गया था उस दुकान पे, सामने वाली दुकान में गया हमजा, और इतनी महंगाई है फ्रेंड इधर, और इसकी हो गई शर्ट। मेरा बेबी कुछ चाहिए है? चाहिए क्या, चाहिए बताओ क्या चाहिए। ये देखिए जी आपको पता है स्टॉल वगैरह कपड़ों के भी लगे हुए थे, जिसमें था लंदन का माल। लंदन का माल मुझे बताएं कमेंट करके, लंदन का माल कौन सा होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता। ये देखिए कुछ भी उसमें न्यू भी था, कुछ उसमें दूसरा भी था, और लोग वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे, रश पड़ा हुआ था। और ये देखिए वही बात दोबारा से, ये लंदन का माल इतना महंगा दिया जा रहा था कि दूसरा तो कोई हिसाब ही नहीं था। तो देखिए मेरे बच्चे देख रहे हैं और खुश हो रहे थे बच्चे देख के, और बाजी के बच्चे तो कह रहे थे सारा कुछ ही ले लें। फिर उधर से हम लोग निकले हैं फिर बाहर, हमने जाना था इधर पिज़्ज़ा खाने, तो हम लोग आ गए हैं पिज़्ज़े वाली जगह पे। और ये देखिए अंदर एंटर हो रहे हैं बच्चे, और मैं और मेरी जैनब बैठे हुए हैं, जैनब मेरे साथ है, वीडियो बना रही है। और बच्चे चले गए थे इधर झूले में, मैंने कहा खेलो, तब तक हम लोगों ने ऑर्डर करवाया, और हम लोगों ने ऑर्डर दिया, उसके बाद आगे ये बर्तन, और इंतज़ार कर रही है ममूना पिज़्ज़े का, है ना ममूना, हाँ पिज़्ज़े का। ये रश आज इतना नहीं है, पता आपको लोगों को बेचारों को पड़ा हुआ है कि बिल दे लें, और ये
बड़ी परेशानियां है इस वजह से रश कम है। तो ये देखिए से टेबल भी हमने कर लिया, टेबल चेंज की उधर हम लोग पूरे नहीं था आ रहे हैं और हम बड़े टेबल पे आ गए, बड़े टेबल पे आ गए। और मैं ये है मेरी सैलो देन, ठीक है हम लोग बैठे हुए और हम का पिज्जा फिर खाएंगे और इधर आ गया जी। बच्चों को लग गई थी भूख क्योंकि थोड़ा सा घूम लेते हैं और आपको पता बच्चे भूख लग जाती है, और पिज्जा आ गया था साथ विंग्स वगैरह। और ये देखिए जी मेरी भाजी के बच्चे भी और मेरे भी, और भाजी मुझे कह रही थी डाल दे, बच्चों को मैंने सबको डाल डूल के दे दिया और इधर मैं खुद खा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये बच्चे भी सारे खा रहे हैं और साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें जी आप लोग खाएं। तो ये देखिए जी हमारी होगी अब प्लेट ख़त्म, भाजी पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग हो गए हैं वापसी। तो ये देखिए जी अब हमारी होगी वापसी, और मैंने फिर बच्चे बाजी की बेटी भी इधर जैनब ने पकड़ी हुई है, मैंने कहा मुझे पकड़ा दो गिर ना जाए, पता डर लगता है। और हम खाने लगे हैं खाना पिज़्ज़ा क्योंकि हजम हो गया था, मैं हो गया था दो घंटे और ये खाना खा रहे हैं हम लोग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।